हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और ये समय है दोपहर का, तो यहाँ मैंने सुबह ही कपड़े धुल कर डाल दिए थे। तो लेकिन आजकल मौसम क्या होता है कि कभी तो हल्की हल्की बारिश होने लग जाती है और कभी इतनी तेज़ धूप आ जाती है। तो अब देख रहे होंगे आप कि काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है, लेकिन सुबह से इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, हल्की हल्की कभी कभी निकल रही थी। तो यहाँ करीब 3 से 3:30 के करीब का टाइम हुआ है। तो ये मैंने जो सुबह कपड़े धुल के डाले थे वो सूख गए हैं, तो वो मैं उतार के रख लूँगी। और बाकी दूसरे कपड़े धुले हुए रखे हैं जो दोबारा में मैंने धुले थे वो नहीं डाले थे, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि यही सूख जाएं तभी फैलाऊँ, क्योंकि फिर स्मेल भी हो जाती है बरसात में। अगर हल्के से भी सीले रह जाते हैं तो काफ़ी स्मेल आ जाती है, गंदी स्मेल आती है कपड़ों में से। तो बस मैंने वो वाले कपड़े हटा दिए हैं और ये वाले कपड़े अब मैं फैला दूँगी जो मैंने बेडशीट वगैरह भी धुली थी। डाल देती हूँ गीले कपड़े, तो उसमें भी स्मेल आने का वो रहता है कि स्मेल आई जाती है। तो थोड़ी सी हवा लग जाए बाहर, और हवा भी चल रही है अभी, देख रहे आप बेडशीट कितनी हिल रही है। तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और मौसम तो अच्छा ठीक ठाक हो रहा है। कभी तो गर्मी हो जाती है उमस जैसी और कभी ठंडा हो जाता है, तो बस मौसम तो बदलता ही रहता है। और कई दिनों से सोच रही हूँ मैं कि अचार के लिए आम लेके आऊँ और कटहल लेके आऊँ, क्योंकि मुझे आम का अचार भी बनाना है और कटहल का अचार भी बनाना है, लेकिन समय ही नहीं मिल पाता है। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है बस घर के कामों में ही। तो अब देखो आज देखती हूँ अगर शाम को जा पाती हूँ तो, क्योंकि दिन में तो कभी बारिश होती है या फिर धूप इतनी तेज़ होती है कि निकलने का मन होता ही नहीं है। इतनी गर्मी होती है दिन में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो दिन में तो जाना बिल्कुल मतलब हिम्मत ही नहीं होती जाने की। तो शाम को मैं कोशिश करूंगी आज के मैं ले आऊँगी, होगा कि वो आम भी आने बंद हो जाएंगे अचार के और कटहल भी नहीं आएगी। इस समय अच्छी आ रही है कटहल, फिर वो पकने लग जाएगी, इस समय कच्ची है। तो आज मैंने बाबू और छोटा के बाल भी धुले थे, और बाबू के बाल भी मैं कटवाने के लिए सोच रही हूँ कि मुझे टाइम मिले तो मैं बाबू के बाल भी कटवाऊँ। तो और फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे बाबू के बाल कटाने चाहिए या नहीं, क्योंकि एक तो गर्मी काफ़ी है और फिर बाबू के बाल ना आगे से काफ़ी हल्के मतलब झड़ काफ़ी रहे हैं बरसात के समय, क्योंकि झड़ते हैं बहुत बाल, मेरे भी झड़ रहे हैं, मेरे तो बरसात में भी झड़ रहे हैं और वैसे भी झड़ रहे हैं बिना बरसात के भी, लेकिन बाबू के बहुत झड़ रहे हैं इस समय। और स्कूल में चोटी बनाने के लिए बोलते हैं, 2 चोटी बनाने के लिए, तो उसके चक्कर में चोटी बनानी पड़ती है टाइट करके, तो बहुत हल्के हो गए हैं आगे से। और ये देखिए हमारे प्लांट्स कैसे लगे हैं आपको, तो और बरसात में तो बहुत अच्छे लगते हैं, हरे हरे हो जाते हैं पौधे, बिल्कुल हरे भरे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं जब बारिश होती है, बारिश में भीगे भीगे। मैं आ रही हूँ अब मार्केट से, गई थी मैं मार्केट, मैंने बताया भी था आपको, तो आज जैसे तैसे करके मैंने टाइम निकाल ही लिया। तो यहाँ मैं लेके आई हूँ अचार के लिए, आम तो अभी लेके आई नहीं हूँ मैं, पहले डालूंगी मैं कटहल का अचार, क्योंकि दोनों का एक साथ तो नहीं डाल पाऊँगी। कटहल के अचार में भी काफ़ी टाइम लग जाता है उसको काटने में, और काफ़ी सारा मतलब प्रोसेस होती है उसकी कटहल के अचार की, तो आम के अचार से भी ज़्यादा समय लगता है कटहल के अचार में। तो मैंने सोचा कि पहले कटहल का अचार ही बना लेती हूँ, और काफ़ी अच्छी भी मिल गई थी, मिली लेकिन काफ़ी मेहनत से, कि कई जगह मुझे ढूंढनी पड़ी तब जाके मिली थी। इस समय क्योंकि अचार का सीजन चल रहा है तो सब लोग ही मतलब काफ़ी लोग डालते हैं अचार, तो बस इस चक्कर में बस, लेकिन मैं सोच के गई थी कि मिल जाएगी तो ले ही आऊँगी, क्योंकि फिर बाद का बाद में ही टल जाता है। तो मैं ले आई हूँ, और सब्ज़ी के लिए भी लेके आई हूँ और अचार के लिए भी लेके आई हूँ, और बाकी थोड़ी सब्ज़ी ले आई हूँ घर के लिए, और आटा वगैरह, और थोड़ा राशन मतलब सामान, किचन का सामान जैसे आटा वगैरह है, और बाकी और लेके आई हूँ सामान। तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, 8:15 बजे का टाइम हो गया, कम से 1-1.5 घंटा लग गया था मार्केट में, कटहल ढूंढने के चक्कर में लग गया था इतना टाइम। तो बस साथ के साथ लेकिन सब्ज़ी भी ले आई, तो कुछ दिनों का सब्ज़ी का भी हो जाएगा काम,
वरना रोज़ रोज़ की क्या होती है, टेंशन होती है रोज़ रोज़ बनाने की सब्ज़ी के क्या बनाएं क्या बनाएं। अगर सब्ज़ी होती है तो फिर इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सब्ज़ी घर में नहीं होती है तो ज़्यादा सोचना पड़ता है। और फिर बार बार जाने का ये भी रहता है कि एक एक चीज़ लेने क्या जाओ, तो मैं दो तीन तरह की सब्ज़ी ले आती हूँ तो थोड़ा काम अपना भी आसान हो जाता है। तो बस अब मैं बाकी सामान तो रख दिया है और सब्ज़ियाँ मैं धुलूँगी, अभी धुल के फैला दूँगी तो थोड़ी देर मतलब पानी निचड़ जाएगा इनका, सूख जाएगा, तो फिर बाकी मैं फ्रिज में लगा दूँगी बाद में, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। तो रात को क्या होगा कि अगर मैं बाहर ही छोड़ दूँगी तो या तो कुछ गर्मी से और कुछ फिर सूखी सूखी हो जाती हैं बाहर। तो ताज़ी सब्ज़ियाँ हैं काफ़ी, ऐसे नहीं है मतलब सूखी वूखी नहीं है, ताज़ी सब्ज़ियाँ हैं तो हरी भरी बनी रहेंगी अगर मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी। और इस समय सब्जियां इतनी महंगी हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ भी ले लो आप, सब सब्जियां इतनी महंगी हैं, प्याज ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, चाहे कुछ भी सब्जी ले लो, मतलब ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, टमाटर और प्याज आलू वगैरह ये तो होनी ही चाहिए अगर कुछ भी बनाओ तो ये भी इतने महंगे हैं। तो मैंने दोपहर में टमाटर भी नहीं थे जब मैंने लंच बनाया लंच के लिए, तो टमाटर तो मैंने लेके आई थी दोपहर में जाके, फिर मैं यहीं से ले आई थी पास से, और बाकी सब्जी मैं अब लेके आई हूँ। वरना ये आफतें ही रहती हैं कि कभी मिर्च ख़त्म हो गई, कभी टमाटर ख़त्म हो गए, फिर बार बार आप एक एक चीज़ के लिए दौड़ते रहो। तो बस थोड़ी थोड़ी सब चीज़ ले आई हूँ, मतलब कुछ चीज़ें ले आई हूँ, जैसे थोड़ी सी अदरक भी ले आई हूँ, थोड़ी तोरी ले आई हूँ, भिंडी लेके आई थी, हरी मिर्च लेके आई, टमाटर लेके आई, इस तरह थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी ले आई हूँ। और यहाँ मैंने भराया कूलर में पानी, क्योंकि कूलर चलाए बिना तो बिल्कुल काम चलता ही नहीं है। और वैसे कूलर चला के उमस भी बहुत ज़्यादा होती है, चिपकन जैसी हो जाती है, जैसे मतलब फेस पे ऑयल सा आता हो, उमस उससे बहुत अजीब लगता है। तो लेकिन चलाना पड़ता है क्योंकि बिना उसके काम भी नहीं चलता। और यहाँ अब घटा हो गई है रात को, फिर से बारिश का बन रहा है मौसम। तो यहाँ मैं ये जो कपड़े मैंने शाम को फैलाए थे ये मैं स्टैंड पर डाल दूँगी और स्टैंड रख दूँगी फिर मैं अंदर, तो कम से कम बारिश में भीगने का तो नहीं रहेगा, वरना यहाँ तो भीगेंगे भी और उड़ उड़ के नीचे और गिर जाएंगे, छत पे घूमते फिरेंगे इधर से उधर सारे कपड़े। तो ये तो टेंशन नहीं रहेगी बारिश आए या ना आए। तो बस मैं ये जल्दी से इस पे स्टैंड पे फैला देती हूँ। और अभी मुझे लंच की भी करनी है तैयारी, मतलब लंच बाकी तो मैं करके गई थी, मतलब लंच बनाना है, केवल खिलाना है जिसको, जितनी मतलब भूख तो ऐसी ही होती है गर्मियों में, ज़्यादा भूख तो नहीं होती है, प्यास इतनी लगती है। और यहाँ मैं यही देख रही थी कि हवा चल रही है काफ़ी तेज़ और बिजली भी कड़क रही थी, तो बस स्टैंड रख दिया मैंने अंदर। और अब बस वीडियो को करेंगे यहीं एंड, मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।